नमस्कार साथियों, जय हिंद सभी को। आज का मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि महेंद्रगढ़ की जो बेटी है सपना शर्मा, जो नोएडा गुरुकुल का जो मामला था, काफ़ी समाचार पत्रों में भी प्रकाशित रहा काफ़ी दिन, उस मामले को अब दबा दिया गया है या कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है। साथियों, क्या गरीब होना गुनाह है? गरीब परिवार था इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई? कहीं न कहीं सवालिया निशान लगते हैं। काफ़ी दिन से वीडियो में देख रहे हैं, समाचार पत्रों में देख रहे हैं, कोई पीड़ित परिवार जो है उस बेटी का, उस बहन का दर दर की ठोकरें खा रहा है न्याय पाने के लिए। समाचार पत्रों में देखते हैं कि एसपी साहब को ज्ञापन दिया जा रहा है, ज़िले के जो मुखिया हैं डीसी साहब उनको भी ज्ञापन दिया जा रहा है। इन ज्ञापनों का दौर काफ़ी दिन से चल रहा है, देख रहे हैं। उन ज्ञापनों के ऊपर क्या कोई संज्ञान लेता है या नहीं लेता, देखने वाली बात यह है कि ज्ञापन काफ़ी दे चुके हैं क्षेत्र के प्रतिनिधि जो हैं, क्षेत्र के जो मुख्य चेहरे हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, मैं उनका सभी का धन्यवाद करता हूं कि इस बहन को, इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए सभी एकजुट हो रहे हैं और उनसे जो कुछ हो रहा है वो कर रहे हैं। बाकी एक बात ये और कहना चाहूँगा कि जो प्रशासन है, जो पुलिस प्रशासन है, उनकी दरख्वास्त, उनके जो ज्ञापन है उन पे क्या संज्ञान लिया, पीड़ित परिवार को क्या सांत्वना वे देते हैं, क्या किस प्रकार संतुष्टि करते हैं, ये पूछने सोचने वाली बात है। दोस्तों, मामला नोएडा गुरुकुल का है, जो वो छात्रा वहाँ पढ़ती थी, जिन परिस्थितियों में उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ पीड़ित परिवार को आप लोगों ने सुना। जो उस बच्ची की माँ थी, काफ़ी न्यूज़ चैनलों में और समाचार पत्रों में भी उसकी आवाज़ को आप सुन चुके हैं। अब ये मामला हाईलाइट कैसे हुआ, इसके लिए, हाईलाइट करने के लिए जिन्होंने भी प्रयास किया न्याय दिलाने के लिए, उन सभी का स्पेशल धन्यवाद करता हूँ कि आप पीड़ित परिवार के साथ खड़े हुए, उनकी आवाज़ बनने की कोशिश की आपने। क्षेत्र के लोग भी उन पीड़ित परिवार के घर गए और सांत्वना दी, महज सिर्फ सांत्वना। मैं एक पूछने वाली बात यह भी है कि वो सांत्वना देते हैं तो किस ओहदे से, किस जिम्मेवारी क्या है उनकी, कैसे देते हैं वो सांत्वना? तो वो सांत्वना दी गई, उस पर कोई कार्रवाई हुई या नहीं, मुकदमा दर्ज हुआ या नहीं? दोस्तों, परिवार की आपने माली हालत भी देखी है, तो मेरा यही कहना है कि पीड़ित परिवार हर जगह दरख्वास्त दे चुका है, गुहार लगा चुका है, तो आज तक कोई अच्छी, कोई सकारात्मक कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? क्यों पीड़ित परिवार को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ा जा रहा है? आप देख रहे हैं, कभी जुलूस प्रदर्शन हो रहे हैं, ज्ञापन दिए जा रहे हैं,
संभवतः क्षेत्र के जो लोग हैं, पीड़ित परिवार की आवाज़ बनी है, उनकी ये प्रयास ज़रूर रंग लाएगा। प्रशासन ज़रूर नींद से जागेगा और कार्रवाई करेगा। इस मामले को लेकर महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया था। महिला आयोग ने क्या कार्रवाई की आगे, जो जिस प्रकार पीड़ित परिवार को सांत्वना देके गए थे यहाँ, महिला आयोग का भी धन्यवाद जो इस मामले को उठाने का प्रयास किया, न्याय दिलाने की कोशिश की। तो साथियों, आज इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस पीड़ित परिवार को आखिर कब न्याय मिलेगा, आखिर वो घड़ी कब आएगी जब इस परिवार को संतुष्टि मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।